हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से आज क्लास थर्ड के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है केयरिंग फॉर द पीपल अराउंड अस। ठीक है, और पार्ट नंबर 7 के अंदर हमने इस चैप्टर के बारे में जाना था, जो डीप और डंप पीपल होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी, और फिजिकली इम्पैक्ट जो पीपल होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता हमने उनके बारे में भी बात की, जो विजुअल इम्पैक्ट होते हैं जिनको मतलब देख नहीं सकते अच्छे से उनके बारे में भी बात की थी। आज जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है ऑर्फेंस। क्या नाम है? ऑर्फेंस। अब ऑर्फेंस क्या होते हैं? ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना, कुछ बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कभी कोई भूकंप आ गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई कहीं पे कोई आर्मी की कोई फाइट हो गई, कहीं पे कोई कार एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स की वजह से जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, और उनके माता पिता की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में। ठीक है, तो वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते इस दुनिया में, तो उनको क्या कहते हैं, हम ऑर्फेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ऑर्फेंस कहते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं इनके बारे में। सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव पेरेंट्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्या नहीं होते हैं, जिनके कोई भी पेरेंट्स नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्फेंस। उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्फेंस कहते हैं, जिनके ना तो मम्मी होती है और ना ही पापा होते हैं, ड्यू टू सम कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई भी ऐसा रीज़न हुआ हो जिसकी वजह से उन्होंने अपने माता पिता को क्या कर दिया हो, खो दिया हो, तो जिनके माता पिता नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्फेंस कहते हैं। दे ऑफ्टन लिव टुगेदर इन अ स्पेशल होम कॉल्ड ऑर्फेनेजेस। अब ऑर्फेनेजेस क्या होता है? ऑर्फेनेजेस होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके कोई माता पिता नहीं होते हैं। ठीक है, ऑर्फेनेजेस एक ऐसी जगह होती है जिसको हम हिंदी में अनाथ आश्रम कहते हैं। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके ना मम्मी होती है ना पापा होते हैं, उनको वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, दे ऑल्सो नीड आवर लव एंड सपोर्ट। उनको हमारे प्यार की और हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको अगर हम रखें कहीं पे तो मतलब अगर हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, हमें उनसे रेगुलर मिलते रहना चाहिए, उनके साथ में हमें खेलते रहना चाहिए, कोई भी जो गेम्स होते हैं उनको कभी इस चीज़ के बारे में फील नहीं होने देना चाहिए कि उनके माता पिता नहीं हैं। क्लियर है? आता है तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो अनाथ आश्रम हैं वो हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, तो जब भी हमें कभी मौका मिले हमारे बर्थडे के दिन, हमारा जब भी बर्थडे आए तो हमें कुछ जो उनके लिए कुछ टॉफ़ी हो या चॉकलेट्स हो या कोई बिस्किट हो या कुछ खाना अगर हम उनके लिए लेके जा सकें तो अनाथ आश्रम में उनके लिए लेके जाना चाहिए, और उनके साथ बैठ के हमें क्या करना चाहिए, जो खाना होता है वो खाना चाहिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ इस दुनिया में कोई है हमारे माता पिता के अलावा जो हमारे बारे में इतना सोचता है, हमारी इतनी केयर करता है और हमारा इतना ध्यान रखता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं उनके लिए? ठीक है, हम क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन विजिट देम रेगुलरली। हम उनके पास रेगुलरली जा सकते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, इस तरीके से हम उनके पास में रेगुलरली जा सकते हैं। जब भी हमारा साल में कभी एक बार बर्थडे है तो उस बर्थडे के दिन हमें उनके साथ में जाके हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट है, शेयर बुक्स एंड टॉय विद देम। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे जो किताबें हैं, पुरानी कोई किताबें हैं या फिर हमारे जो कोई खिलौने हैं, पुराने खिलौने जो मतलब जो जिनसे अब हम खेलते नहीं हैं, ठीक है, ऐसे जो हमारे खिलौने हों या नए हों, जो जैसे भी हो, अगर हम उनको दे सके तो हमें उनको दे देना चाहिए। जैसे अगर आप अभी क्लास थर्ड में पढ़ते हो तो सेकंड क्लास की बुक अगर आपकी पूरी हो चुकी है तो सेकंड क्लास की बुक अब तो आपके काम में नहीं आएगी, तो वो बुक्स उनको ले जाके दे देनी चाहिए, जिससे क्या कर सके, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, उनके वो बुक्स काम आ सके। ठीक है, और हमारे जितने जो खिलौने होते हैं जिनसे हम अभी नहीं खेलते हैं, वो खिलौने भी हमें उनके साथ में क्या करने चाहिए, शेयर करने चाहिए। आए समझ में आपको? यहाँ तक लास्ट है, स्पेंड टाइम विद देम। हमें उनके साथ में क्या करना चाहिए, समय बिताना चाहिए। हम हो सकता है उनके साथ में
खेलें, हम उनके साथ में घूमें, हम उनके साथ में अलग अलग टाइप के जो गेम्स होते हैं वो खेल सकते हैं, जिससे कि उनको कभी भी अकेलापन महसूस ना हो। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने इस चैप्टर को आज यहाँ तक कंप्लीट किया है, आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। अब जानते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें हो रहे हैं जो हमने ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में समझी है, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। देखो आपके पास है ये, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लेट अस सी हाउ वी कैन हेल्प पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड। अब यहाँ पे लिखा है लेट अस सी हाउ वी कैन हेल्प, हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कौन से लोगों को जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, ठीक है, जिनको फिजिकली या मेंटली कुछ समझ में नहीं आता है, जो फिजिकली मतलब चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और मेंटली मतलब किसी चीज़ को समझ नहीं सकते, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो वी शुड क्या कर सकते हैं, फर्स्ट है हेल्प देम व्हेन दे आर नीडेड, जब उनको ज़रूरत हो तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ये ब्लाइंड पर्सन है, अंधा व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता, तो ये बच्चा जो है उसकी किस में हेल्प करवा रहा है, उसकी रोड क्रॉस करवाने में उसकी मदद कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है रेस्पेक्ट देम एंड ट्रीट देम एज इक्वल। अब ये बच्चा है जो चल नहीं सकता, उसके एक पाँव नहीं है, ठीक है, ये बच्चा जो है उसको अपने इक्वली क्या कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है, ऐसा नहीं है उसको कभी फील होने दे रहा कि नहीं तेरे तो पाँव नहीं है, या फिर उसका कभी मजाक उड़ाना, ये काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इसमें हमने क्या जाना कि जो फिजिकली इम्पेयर्ड जो पीपल होते हैं, ठीक है, जो फिजिकली जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते, फिजिकली चैलेंज जो पीपल होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनकी अच्छे से क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, उनको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए, और उनका कभी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें हमें हमेशा हमारे इक्वल फील ही करवाना चाहिए। अब देखो थर्ड क्या लिखा है, थर्ड लिखा है स्पेंड टाइम विद देम एंड मेक देम फील वॉन्टेड। अब उनके साथ में जैसे ये बच्चा है, ये भी नहीं चल सकता, ठीक है, ये उठ भी नहीं सकता, इसके पाँव दोनों ही पाँव नहीं काम कर सकते, तो ये क्या कर रहा है, व्हील चेयर के ऊपर अपना इधर से उधर जाता है, तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, उनके साथ में उनको इक्वली फील करवाना चाहिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, और उनको ऐसा फील करवाना चाहिए जैसे कि आप उनको चाहते हो, ठीक है, आप उनको चाहते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर चल नहीं सकते तो आप उनके साथ में ऐसा बिहेव करने लग जाओ कि यार तो खेल नहीं सकता तो क्या हमारे साथ में खेल खेलेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, उनको ऐसा फील करवाना चाहिए कि हाँ ये गेम आप भी हमारे साथ में खेल सकते हो, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है हेल्प एंड इंकरेज देम इन स्टडीज़। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। किस चीज़ में हेल्प करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए उनकी पढ़ाई में, और उनकी कोई भी अगर हॉबी हो, मतलब मान लो अगर वो कोई पेंटिंग करना चाहते हो, वो किसी गेम के अंदर इंटरेस्टेड हो, या फिर उनको किसी और ड्राइंग में किसी भी चीज़ में अगर उनकी कोई हॉबी है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए, रदर देन हमें उनका कभी मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए कि तेरे तो हाथ नहीं है, तू देख नहीं सकता, या फिर तू बोल नहीं सकता, तू चल नहीं सकता, तू क्या करेगा, ऐसा कभी हमें उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर हम उनको ऐसा बोलेंगे तो उनको क्या होगा, इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट फील होगा और वो उस चीज़ को अच्छे से कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब लास्ट है हमारा, इसमें क्या लिखा है, सेलिब्रेट गुड टाइम लाइक पिकनिक एंड पार्टीज विद देम। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, घूम नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के साथ में हमें क्या करना चाहिए, हमारा गुड टाइम, हमारे अगर कोई बर्थडे है कुछ भी है, तो उन लोगों के साथ में हमें क्या करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, पिकनिक उनके साथ में मनाने के लिए हमें जाना चाहिए, उनके साथ में जो हमारा अच्छा टाइम है वो मोस्ट ऑफ टाइम हमें उनके साथ में स्पेंड करना चाहिए। और कहने का सीधा सा मतलब इतना है कि हमें उनको हमारे इक्वल हमेशा फील करवाना चाहिए, उनको कभी भी ये फील नहीं होने देना चाहिए कि वो लोग हमारे से अलग है, या उनके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी प्रेजेंट नहीं है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, उनको हमेशा अपने खुद के इक्वल फील होने देना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है,
तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्कूल के दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी जाके मैसेज कर सकते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर है केयरिंग फॉर द पीपल अराउंड अस, ये आज कंप्लीट हुआ यहाँ तक, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 9, इसके अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।